हेलो एवरीवन, मैं विधि अग्रवाल फिर से द सिंघानिया ग्रुप्स चैनल पे एक न्यू प्लान के साथ। आज हम गोल्डन प्रीमियर सेवर प्लान के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको नाम ये दिख ही रहा है, ये भी श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का एक प्लान है। गोल्डन प्रीमियर सेवर प्लान हर किसी का गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, तो ये एक सेविंग्स प्लान के साथ साथ एक प्रोटेक्शन प्लान का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें सेविंग्स आप करके एक कॉर्पस अक्यूमुलेट कर सकते हैं और साथ ही साथ पूरे पॉलिसी टर्म में आपको जो कवर होता है, लाइफ इंश्योरेंस कवर, वो भी प्रोवाइड होता है। तो ये एक सेविंग्स और प्रोटेक्शन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आइए प्लान को समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लान के बारे में कुछ जो इसके मेन फीचर्स की फीचर्स है वो ये है कि ये लाइफ कवर प्रोवाइड करता है पॉलिसी टर्म तक आप, और इसमें कई सारे पॉलिसी टर्म चूज करने का ऑप्शन होता है। आप जो भी पॉलिसी टर्म चूज करते हैं उसमें आपका जो लाइफ कवर होता है वो भी बना रहता है। और दूसरी चीज ये कि एक लाइफ कवर एक्सटेंशन का भी इसमें ऑप्शन होता है टिल एज ऑफ 80 इयर्स। तो जब आपका पॉलिसी टर्म खत्म होता है, आप चाहिए तो इस प्लान में आपको ऑप्शन है कि 80 इयर्स की एज तक आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। तो आपको उसके लिए एक एडिशनल प्रीमियम देना होता है। तो जब आपका पॉलिसी टर्म खत्म होता है उसके बाद से आपका जो लाइफ कवर होता है वहां से फिर से स्टार्ट होके वो आपका पूरे 80 इयर्स तक रहता है, आपके पॉलिसी टर्म पे खत्म नहीं होता। फिर इसमें आपका मैच्योरिटी जो मिलती है, मैच्योरिटी बेनिफिट होता है, वो दो ऑप्शंस रहते हैं। आप लमसम भी उसमें ले सकते हैं और एक आपके पास होता है इनकम प्लस लमसम और मैच्योरिटी ऑप्शन। तो आपके पास मैच्योरिटी लेने के इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। फिर आप हमेशा की तरह राइडर्स जो है वो इस प्लान में लगा सकते हैं। राइडर्स लगा के आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा कवरेज जो है वो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। फिर इसमें कंपनी जो है आपको बोनसेस देती है, रिविजनरी बोनस, टर्मिनल बोनस। तो कंपनी के एक्सपीरियंस, कंपनी का प्रॉफिट वो एक तरह से शेयर करती है, जो भी होता है उसमें से एक पोर्शन बोनस के तौर पर प्लान में जो है वो शेयर होता है। तो ये भी इसमें ये रहे आपके सारे फीचर्स, मेन फीचर्स जो है। आइए एक एक चीज को एक्स्ट्रा में समझते हैं, फिर अब करते हैं। क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है तो इसमें डेथ बेनिफिट क्या मिलता है। तो डेथ पॉलिसी टर्म में अगर लाइफ अश्योर्ड की डेथ होती है, जितना भी पॉलिसी टर्म चूज किया गया है उसमें अगर डेथ होती है तो उसमें डेथ सम अश्योर्ड मिलता है। और डेथ सम अश्योर्ड क्या होता है, और डेथ सम अश्योर्ड के साथ साथ रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस जो भी उस टाइम का बनता है, और रिविजनरी बोनस जितना उस डेथ तक के टाइम का अक्रू हुआ होता है, ये चीजें मिलती हैं। तो डेथ सम अश्योर्ड जो है उसका वो होता है हाईएस्ट ऑफ द चार चीजें। आपको एब्सोल्यूट अमाउंट अश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, ये आपका सम अश्योर होता है जो आपने अपने प्लान के लिए चूज किया है। फिर 10 टाइम्स द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, आप एनुअल जितना प्रीमियम पे कर रहे हो हर साल का प्रीमियम उसका 10 टाइम्स, या फिर आपने अभी तक जितने भी प्रीमियम्स पे किए हैं अब तक में डेथ के टाइम तक उसका 105%, या फिर गारंटीड मैच्योरिटी सम अश्योर्ड, जो गारंटीड मैच्योरिटी सम अश्योर्ड है वो। इन चारों चीजों में जो डेथ के टाइम पे हाईएस्ट आता है वो अमाउंट डेथ सम अश्योर्ड कहलाती है। और लाइफ अश्योर्ड के डेथ के केस में पॉलिसी टर्म के टाइम में ये बेनिफिशियरी को पे होता है। ये हमने समझ लिया डेथ सम अश्योर्ड। और अब मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करते हैं। ये हो गया डेथ, अगर पॉलिसी टर्म के बीच में अगर डेथ हो जाती है तो हमने वो समझा। अब अगर पूरे पॉलिसी टर्म तक सरवाइव करता है लाइफ अश्योर्ड तब क्या मिलता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें मैच्योरिटी के दो ऑप्शंस होते हैं, एक लमसम ऑप्शन होता है और एक आपका इनकम प्लस लमसम ऑप्शन होता है। लमसम में आपको जो गारंटीड मैच्योरिटी सम अश्योर्ड होता है वो,
उसके साथ साथ जो अक्रूड बोनस होता है, यानी कि आपका जो भी स्टार्टिंग से पॉलिसी टर्म में आपके स्टार्ट से जितना पॉलिसी टर्म तक आपका अक्रू हुआ है रिविजनरी बोनस वो, और जब आपको ये मैच्योरिटी मिल रही है उस टाइम का टर्मिनल बोनस अगर कोई बनता है तो वो सारी चीजें मिल के पूरी मैच्योरिटी बनती है। और इस प्लान में एक चीज और गारंटीड है कि गारंटीड मैच्योरिटी सम अश्योर्ड में आपकी जो रिविजनरी बोनस होता है स्टार्ट पॉलिसी टर्म के स्टार्टिंग के 5 ईयर्स का, वो आपको गारंटीड 4% के बेसिस पे मिलता है। और बाकी फिर 6th ईयर से आपको कंपनी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है, तो वो फिर गारंटी नहीं, जितना भी कंपनी उस साल एक्सपीरियंस करती है तो उस बेसिस पे जितना बोनस डिक्लेयर होता है वो आपके प्रीमियम आपने जितना सम अश्योर किया है वो प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से आपके प्लान में बेनिफिट में अक्रू होता जाता है। तो ये हो गई अगर लमसम ऑप्शन चूज किया जाए पॉलिसी में। उसके बाद अगर कोई मैच्योरिटी में इनकम प्लस लमसम ऑप्शन लेना चाहता है तो वो इस तरह से होता है कि उसमें आपने जितना भी पॉलिसी टर्म चूज किया है पॉलिसी टर्म के लास्ट 5 ईयर्स जो होते हैं लास्ट के 5 ईयर्स उसमें आपने जो भी सम अश्योर्ड पॉलिसी का चूज कर रखा है उसका 10% आपको लास्ट 5 ईयर्स में मिलता है। फिर पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद में जब एक लमसम मिलता है उसमें सम अश्योर का 50% प्लस आपका रिविजनरी बोनस जो अक्रू हुआ है पूरे पॉलिसी टर्म में, उसके साथ साथ जो उस टाइम का अगर कोई टर्मिनल बोनस बनता है, तो ये सारी चीजें कलेक्ट होके आपको इनकम प्लस लमसम ऑप्शन में मिलती है। तो ये आपने मैच्योरिटी बेनिफिट समझ लिया। फिर एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट। एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपने ये नहीं लिया, ये आपके पास ऑप्शनल है इस पॉलिसी में, आप नॉर्मल पॉलिसी को इस चला रहे हैं तो आपका जो कॉर्पस अक्रू हो रहा है वो तो होगा ही, जो सेविंग्स हो रही है आपका जो भी बढ़ रहा है वो चीजें आपको एज इट इज मिलेंगी, लेकिन जो आपका लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो खाली आपने जितना पॉलिसी टर्म चूज कर रखा है वो तब तक ही मेंटेन रहेगा। लेकिन आप अगर इस चीज को चाहते हैं कि आपका लाइफ कवर जो है वो लंबा मेंटेन करे तो आपके पास ऑप्शन है कि 80 इयर्स तक आप अपना लाइफ कवर मेंटेन कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, जिसका कि प्रॉपर चार्ट है जो मैं आपको बताऊंगी कि कितना प्रीमियम रहता है वो पर 1000 के हिसाब से है। तो ये आपका एक्सटेंडेड कवर का बेनिफिट है कि अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन ये चीज आपको पॉलिसी जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब पॉलिसी इश्यू हो रही है, आपको फर्स्ट डे पे ही डिसाइड करना पड़ेगा कि, और बाद में ये ऑप्शन जो है वो चेंज नहीं हो सकता। एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट आपको जो है वो आप पॉलिसी के स्टार्टिंग टाइम पे जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट लेना है या नहीं, तो उस अकॉर्डिंग इसका भी प्रीमियम उसमें ऐड हो जाता है। फिर राइडर्स आप कौन कौन से लगा सकते हैं, राइडर्स के बारे में मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना रखी है। अगर आप डिटेल में सारे राइडर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आइए बताते हैं, चार आप इसमें चार राइडर्स जो है वो लगा सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा जो आप अगर कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं पॉलिसी में तो वो है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर में अगर एक्सीडेंटल डेथ या टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उस राइडर टर्म के बीच में, तो राइडर टर्म के बीच में अगर होती है तो 100% जो राइडर सम अश्योर होता है वो भी बेनिफिशियरी को मिल जाता है। फिर आपका आता है श्रीराम क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर, ये दूसरा राइडर है। इसमें अगर जो लाइफ अश्योर्ड है उसको डायग्नोज होता है 6 बीमारियां ये कवर करता है, ऐसी इलनेस बहुत क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं, तो उन 6 बीमारियां जब पता चलती हैं और उसके पहली बार पता चलने के 30 दिन तक अगर लाइफ अश्योर्ड सरवाइव करता है तब ये उसका जो और उसके टर्म के अंदर राइडर टर्म के अंदर, तो पूरा जो राइडर सम अश्योर्ड है वो पूरा का पूरा लाइफ अश्योर्ड को मिल जाता है। फिर आता है फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर। फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर ना होने पर अगर हम नहीं हैं तो हमारी फैमिली को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हम उससे।
तो उसमें क्या है कि जब डेथ होती है लाइफ अश्योर्ड की, तो उसके मंथ के एंड से एक मंथली इंस्टॉलमेंट मिलना फैमिली को स्टार्ट हो जाता है। तो हमने जितने भी सम अश्योर की पॉलिसी ले रखी है उसका 1% आपका या तो पूरा पॉलिसी टर्म या फिर मिनिमम 10 ईयर्स, इनमें से जो भी चीज है, जो भी हाईएस्ट टाइम है उस तक उतने साल तक हर महीने आपकी फैमिली को आपके सम अश्योर का 1% मिलता रहता है। फिर आता है श्रीराम एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर राइडर। अब इसमें आपका जो नॉर्मल प्रोटेक्शन है, नॉर्मल लाइफ कवर है, वो तो मेंटेन है ही, साथ में अगर आप ये राइडर के साथ आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जो है वो आप एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें अगर राइडर टर्म के बीच में लाइफ अश्योर्ड की डेथ होती है तो नॉर्मल पॉलिसी के अलावा जो राइडर सम अश्योर है वो भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको मिलता है। अब राइडर्स का जो बेनिफिट होता है वो राइडर टर्म्स में सिर्फ उन बेसिस पे ही मिलता है, आपका आप इससे मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं उठा सकते। राइडर सिर्फ उस इवेंट के होने पर ही, उस राइडर टर्म के बीच में जिन इवेंट के लिए आपने लिया है उस इवेंट के होने पर ये राइडर्स वर्क करते हैं, आपको राइडर्स की कोई मैच्योरिटी अवेलेबल नहीं होती है। फिर प्लान के ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है कि मैच्योरिटी में आपका लमसम ऑप्शन है, इनकम प्लस लमसम ऑप्शन है जो बता चुके हैं। फिर एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट ऑप्शन है कि 80 एज तक आप इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप लाइफ कवर जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन से पहले आइए इसकी एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए कौन एलिजिबल है। तो इसकी जो मिनिमम एज एंट्री है वो है 0 ईयर्स, यानी कि एकदम जब पैदा हुआ है बच्चा उसके लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं, प्लस 60 इयर्स तक का पर्सन। तो 60 इयर्स तक ये प्लान कभी भी जो है पर्सन वो ले सकता है। लेकिन अगर आप इसमें जो एक्स्ट्रा इंश्योरेंस वाला जो एक्सटेंडेड कवर आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए मिनिमम एंट्री जो एज होती है वो 20 ईयर्स है, यानी अगर 20 ईयर्स पर्सन की एज है तो ही वो जो एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट ऑप्शन है वो ले सकता है, नहीं तो उसकी पॉलिसी ये नॉर्मल चलेगी, यानी 20 ईयर से कोई कम है तो वो इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर सकता। और मैच्योरिटी एज, मैच्योरिटी के लिए मिनिमम 18 ईयर्स टू 75 ईयर्स के बीच में ही जो मैच्योरिटी है वो होनी चाहिए, यानी 18 ईयर्स से पहले आप पॉलिसी तो ले सकते हैं लेकिन इसकी मैच्योरिटी कम से कम 18 ईयर्स पे आनी चाहिए। फिर मिनिमम जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा वो आपका ऑप्शन होता है आप 5 ईयर्स से, आपकी एज अगर 0 to 50 है तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 ईयर्स का ले सकते हैं। और अगर आपके पास जो एज है आपकी वो 60 तक है, 50 तक की एज में ही आपके पास 5 ईयर्स का ऑप्शन है, और अगर आपकी एज 50 क्रॉस कर गई, 50 टू 60 है, तब आपके पास 5 ईयर्स का ऑप्शन नहीं रहता है, बाकी आपके पास 8 ईयर्स, उसके बाद 10 से लेके 20 तक आप कोई भी ईयर जो है प्रीमियम आप जब तक पे करना चाहें, आपके गोल के हिसाब से, आप जिस भी पर्पस से ये सेविंग ये अक्यूमुलेशन आप कर रहे हैं, ये प्लान आप ले रहे हैं, तो उस अपने गोल के हिसाब से आप जब तक चाहे प्रीमियम दे सकते हैं, आप तब तक सेव जो है वो कर सकते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 0 to 50 ईयर्स के लिए ऑप्शन है 5 ईयर्स प्रीमियम पे करने का, 8 ईयर्स प्रीमियम पे करने का, फिर 10 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स तक कभी भी तक आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद पॉलिसी टर्म में आपका जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म है आप उसमें अगर 5 ईयर्स और ऐड कर लेंगे तो वो आपका पूरा पॉलिसी टर्म बन जाएगा। और जो प्रीमियम है इसका मिनिमम प्रीमियम 5 ईयर्स 8 ईयर्स जो आप ये देख ही सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका प्रॉपर चार्ट होता है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन सा सम अश्योर ले रहे हैं, आपकी एज कितनी है, उस बेसिस पे जो प्रीमियम है वो निकलता है। तो 5 ईयर्स का अगर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो उसका मिनिमम जो एनुअलाइज प्रीमियम आता है वो 44,232 आता है, 8 ईयर्स का प्रीमियम पे करने का कोई ऑप्शन ले रहा है तो 27,564 प्रीमियम आता है,
फिर 10 to 20 ईयर्स तक का प्रीमियम पे करने का कोई ऑप्शन ले रहा है तो उसमें मिनिमम प्रीमियम जो आता है वो 10,296 पर एनम आता है। तो आप देख रहे हैं कि आप जितना प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, मतलब टर्म बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से जो प्रीमियम का अमाउंट है वो घटता जा रहा है। फिर सम अश्योर्ड, जो मिनिमम सम अश्योर्ड है इसका वो है 2 लाख, और आपका मैक्सिमम सम अश्योर और मैक्सिमम प्रीमियम पे करने का कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना सेव कर सकते हैं, आप उतना ही मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो उठा सकते हैं पॉलिसी से, तो मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें जो अगर प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं तो उसके आपके सारे जो मोड्स होते हैं वो है एनुअल, आप सालाना जमा कर सकते हैं, आधे साल, हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं प्रीमियम, क्वार्टरली यानी कि तिमाही आप प्रीमियम्स जमा कर सकते हैं, मंथली यानी हर महीने आप प्रीमियम्स जमा कर सकते हैं। और राइडर्स के बारे में मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि 4 राइडर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं इसमें। अब ये एक इलस्ट्रेशन ऐसे ही दिया हुआ है कि विनय, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए प्लान, विनय है वो 30 ईयर्स ओल्ड है यानी 30 साल का है। उसने लमसम लिया हुआ है, लमसम के साथ साथ उसने एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट के साथ ये प्लान लिया, यानी कि उसने ये बेनिफिट जो है वो लिया हुआ है। और क्यों? क्योंकि वो 30 इयर्स का है, क्योंकि वो ये, अगर कोई ये विनय 20 इयर्स से कम होता तो ये एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट ऑप्शन नहीं ले पाता। और अब इसने सम अश्योर कितना लिया है, इसने 10 लाख 10 लाख रुपए का सम अश्योर की पॉलिसी ली है, और उसका जो पॉलिसी टर्म है वो 15 इयर्स है, और इसने प्रीमियम जो है वो 10 इयर्स देने के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म 10 इयर्स चूज किया है। तो उस हिसाब से इसका जो प्रीमियम आ रहा है, इसका प्रीमियम ईयरली प्रीमियम आया है 1,20,470, और इसका टोटल प्रीमियम जो ये पे करेगा वो आएगा 12,04,700। तो ये इसका प्रीमियम पेइंग टर्म इसका 10 इयर्स है, ये 10 इयर्स तक प्रीमियम देगा, फिर 5 इयर्स तक इसका वेटिंग पीरियड होगा, फिर इसको मैच्योरिटी मिलेगी। मैच्योरिटी में जो इसका सम अश्योर्ड था इसने चूज किया था, उसके साथ साथ इसका 4% पे और 8% के हिसाब से जो भी इसका रिविजनरी बोनस होता है प्लस टर्मिनल बोनस होता है वो जो बनेगा वो पूरा मैच्योरिटी बेनिफिट पे ऐड हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ इसने एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट लिया है, तो एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट पीरियड में इसमें दोनों बेनिफिट है कि अगर यहाँ पे उसकी एक्सटेंडेड, अभी तो ये सर्वाइव कर रहा है तो उसको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिला, प्लस साथ में ये पूरा रह गया एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट पीरियड में, इसने सर्वाइव किया 80 इयर्स के बाद भी, तो उसको एक सम अश्योर मिलके ये पॉलिसी फिर यहाँ पे खत्म हो गई एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट। अब यहीं पे अगर इसकी एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट पीरियड के टाइम पे इसकी डेथ हुई होती विनय की, तो यहाँ पे उसको ये 10 लाख यहाँ मिलने के बजाय उसको यहाँ पे मिल जाता, उसके बेनिफिशियरी को मिल जाता जहाँ पे उसकी डेथ हुई होती। तो ये आपका एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट ऑप्शन था। फिर अब उसको ये देखते हैं कि अगर विनय की जो अनफॉर्चुनेट अगर डेथ हो जाती है 35 इयर्स पे, यानी कि उसने 6 एनुअल प्रीमियम्स दिए, उसके बाद इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। एनुअल प्रीमियम अभी भी उसका वही 1,20,470 आ रहा है नॉर्मल प्लान प्लस एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट ऑप्शन लेने के बाद। उसके बाद इसका टोटल प्रीमियम इसने 6 साल तक जमा किया वो उसका आया 7,22,820। तो अब ये प्रीमियम 6 साल तक इसने जमा किए, उसके बाद इसकी डेथ हो गई विनय की, तो उसके बाद यहाँ पे उसको डेथ बेनिफिट यानी डेथ सम अश्योर मिलेगा। जो हमने 4 चीजें बताई थी उनमें से जो हाईएस्ट होता है वो उसको यहाँ पे उसका डेथ सम अश्योर मिल जाएगा, और उसके जो भी नॉमिनी है उसको, और यहाँ पे ये पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये इसकी जो बेनिफिट्स थे वो ये थे, और ये आपका अब एनुअल प्रीमियम। अब आप ये कहेंगे कि इसका प्रीमियम कैसे निकलता है, तो इसका प्रॉपर चार्ट है, मैं कहीं नहीं आई हूँ, ये जैसे ही मैं आपको ब्रोशर से बता रही थी, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। तो ये इस प्लान का एनुअल प्रीमियम, अगर ये लमसम ऑप्शन का प्रीमियम है कि लमसम ऑप्शन जिसने चूज किया है
ये इसके पॉलिसी टर्म्स हैं कि ये पॉलिसी टर्म में ये प्रीमियम कितना दे रहा है, उसके पास उसकी एज कितनी है। जैसे विनय का यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कि पर 1000 रुपीज पे वो कितना प्रीमियम देगा, तो उसका आएगा 30 इयर्स की एज। तो 30 इयर्स ये रही, और उसने जो टाइम पीरियड चूज किया था वो किया था 15 और 10 का। तो यहाँ पे जो उसका आएगा वो आएगा 111.74, यानी कि उसने 10 लाख की पॉलिसी, 10 लाख का सम अश्योर लिया था। तो 10 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे और इंटू कर देंगे इससे, तो उसका प्रीमियम आ जाएगा, नॉर्मल प्रीमियम आ जाएगा। ये अभी एक्सटेंडेड कवर पीरियड का बेस में प्रीमियम जो है वो एडेड नहीं है। तो इसका पर 1000, हर 1000 रुपए में वो 111.74 रुपीज का प्रीमियम जो है वो देगा। फिर आते हैं लमसम के अलावा। अब मैच्योरिटी दो तरह की थी, तो इसमें अगर कोई इनकम प्लस लमसम को ऑप्शन लेता है तो उसके प्रीमियम का जो सम अश्योर वो चूज करता है उसके पर 1000, हर 1000 रुपए में प्रीमियम देने का चार्ट ये है। ये पॉलिसी टर्म्स हैं, ये उसकी एजेस हैं। आप मान लीजिए विनय ने अगर लमसम ऑप्शन की जगह इनकम प्लस लमसम चूज किया होता, तो उसने उसका पीरियड था 15 पॉलिसी टर्म, 10 साल उसने प्रीमियम दिया था, उसकी एज थी 30। तो हम ये सामने आएंगे तो ये इनकम प्लस लमसम में वो प्रीमियम देता हर 1000 रुपए पे 115 रुपीज एंड 66 पैसे का वो प्रीमियम जो है वो देता। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा कवर ऑप्शन, एक्सटेंडेड कवर ऑप्शन। अगर वो एक्सटेंडेड कवर ऑप्शन चूज कर रहा है तो उसका जो एडिशनल प्रीमियम चार्ट है वो ये है। अब नॉर्मल प्रीमियम जो मैंने बताया, अगर वो उसमें ये ऑप्शन ले रहा है तो उसमें ये प्रीमियम जो है वो ऐड हो जाएगा। उसका चार्ट ये है, पॉलिसी टर्म्स आपके ये रहे, एजेस ये रही। तो यहाँ पे जैसे विनय का टाइम था 15 और 10 और उसकी एज थी 30, तो उसका एडिशनल प्रीमियम हर 1000 रुपए पे, हर 1000 रुपीज पे वो 13.75 रुपीज और एडिशनल पे करेगा। तो ये आपका पूरा कहीं से नहीं, उसी जो प्लान है, प्लान के ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये आपके जो तीनों दिए हैं। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पर्सन टू पर्सन रिपोर्ट निकलती है कंपनी की, तो आपका जो भी होता है उसमें कैलकुलेट करके आपको प्रीमियम है, बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग रिपोर्ट में बता दी जाती हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग निकलता है। फिर चलिए, ये मैंने आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स से एनुअल प्रीमियम बता दिया। फिर प्रीमियम पेमेंट मोड आपका हो जाता है। फिर हाँ, प्रीमियम रिबेट डिस्काउंट, इसमें क्या है कि आप अगर जितना ज़्यादा आप सम अश्योर चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्काउंट भी एक मिलता है। तो जैसे यहाँ पे जो विनय ने 10 लाख रुपीज का सम अश्योर चूज किया था, तो उसका जितना भी प्रीमियम निकल के आता उसको उस पर 4% का डिस्काउंट मिलता। तो इसमें ये भी ऑप्शन है, आप जितना हाई सम अश्योर लेके जाते हैं आपको उतना ही ज्यादा इसमें डिस्काउंट मिलता है। तो अब ग्रेस पीरियड की बात कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड क्या है कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम पे उसी दिन हम अपना ड्यू प्रीमियम नहीं, रिन्यूअल जमा नहीं कर पाते हैं, तो एक टाइम मिलता है, 30 डेज का टाइम होता है। अगर मंथली मोड है तो आपका 15 डेज रहेगा, और बाकी अगर कोई और मोड है तो 30 डेज का टाइम होता है कि आप जो आपका ड्यू डेट है प्रीमियम की, इतने दिन के अंदर भी आप अगर प्रीमियम जमा कर दे रहे हैं तो वो पॉलिसी नॉर्मली कंटिन्यू होती है। तो वो एक ग्रेस पीरियड 30 डेज का आपको नॉन मंथली मोड के लिए, और मंथली मोड के लिए 15 डेज का जो आपका ग्रेस पीरियड है वो मिलता है। अब लैप्स, अगर आपने अब पॉलिसी स्टार्ट की है तो इसके बेनिफिट्स पाने के लिए आपको पूरे प्रीमियम्स देने पड़ेंगे। आपका एक बॉन्ड है तो जिस अगर आप पूरे बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो आपको जो है सारे प्रीमियम्स पे करके आपको भी कंपनी की तरफ ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। लेकिन बाय चांस अगर आपने
एक ही प्रीमियम दिया है और बाकी का आप नहीं दे पाए हैं तो वो पॉलिसी जो है लैप्स हो जाती है और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, इवन आपका प्रीमियम भी आपको वापस नहीं मिलता है, वो पॉलिसी जो है वो लैप्स हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी ना लैप्स हो तो कम से कम दो प्रीमियम्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक की जगह दो प्रीमियम्स भी दे दिए हैं तो वो पॉलिसी आपकी पेड अप पॉलिसी हो जाती है और आपको जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बेनिफिट्स उसमें एज इट इज़ आपका प्लान कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो भी आपके बेनिफिट्स हैं आपने जितना भी प्रीमियम दिया है उसके प्रपोर्शन में सारे बेनिफिट सारे जो बेनिफिट्स हैं, आपका डेथ बेनिफिट हो गया, आपका मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया, आपका एक्सटेंडेड कवर बेनिफिट हो गया, वो प्रपोर्शनेटली आपके रिड्यूस हो जाते हैं जितने प्रीमियम्स आपने नहीं दिए हैं, तो इसको पेड अप कहते हैं। फिर रिवाइवल पीरियड, रिवाइवल पीरियड ये है कि आपने पॉलिसी आप प्रीमियम्स पे कर रहे थे, बाय चांस कुछ समय के लिए आपने प्रीमियम्स नहीं दिए, तो आपने जब भी पहला प्रीमियम नहीं जमा किया था तब से आपके पास 5 साल का समय और होता है। 5 साल के अंदर अंदर में आपने जितने भी प्रीमियम्स नहीं जमा किए हैं वो पे करके, एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट होता है उसके साथ, अगर आप पे कर देते हैं तो आपकी पॉलिसी नॉर्मली कंटिन्यू हो जाती है कि वो कभी लैप्स या पेड अप नहीं हुई थी। तो अगर आपकी पॉलिसी लैप्स या पेड अप हो जाती है तब से आपके पास 5 ईयर्स के अंदर ऑप्शन होता है कि आप अपनी पॉलिसी को वापस से रिवाइव करा सकते हैं, वापस से जिंदा करा सकते हैं, जिला सकते हैं। तो ये आपका सरेंडर वैल्यू। सब सरेंडर वैल्यू क्या होते हैं, मान लीजिए अगर आप बॉन्ड है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से पॉलिसी, तो अगर आप वो तोड़ते हैं, आपको पैसों की इतनी अर्जेंट नीड है, तो अगर आप पॉलिसी तोड़ रहे हैं तो उसमें आपको दो चीज़ें होती हैं, एक होती है गारंटीड सरेंडर वैल्यू, एक आपका होता है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। तो दोनों में से जो हाइएस्ट होता है आपके सरेंडर होने के टाइम पे वो आपको मिलता है। आपके गारंटीड सरेंडर वैल्यू का ये चार्ट है, फर्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस समय आपका कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता। और फिर प्रीमियम का, अगर प्रीमियम की सिर्फ बात करते हैं तो अगर 5 ईयर्स पे आप पॉलिसी अपनी सरेंडर करा रहे हैं तो आपको प्रीमियम का 53% मिलता है। यहाँ पे ये वही जो है परसेंटेजेस लिखे हुए हैं। फिर हर साल आपके में एक गारंटीड, एक एडिशन हो जाता है रिविजनरी बोनस का, और वो जो अक्रू हुआ है उसका फर्स्ट ईयर में आपको 28% सिर्फ मिलता है, 5 ईयर में 23% मिलता है जितना भी अक्रू हुआ है उसका। तो ये आपका जीएसवी फैक्टर है, यानी गारंटीड सरेंडर वैल्यू। और स्पेशल सरेंडर वैल्यू कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेशल सरेंडर वैल्यू कंपनी के उस टाइम के एक्सपीरियंस, उस टाइम के प्रॉफिट और उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करती है। और अगर आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है तो आपको पॉलिसी जो है वो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पॉलिसी के अगेंस्ट जो है वो आप लोन ले सकते हैं, और पॉलिसी के अगेंस्ट आपका अगर लमसम ऑप्शन है तो आप 80% का लोन ले सकते हैं, आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू उस टाइम की बन रही है उसका 80% तक का आप लोन ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप पूरा लें, आप उससे कम भी ले सकते हैं। अगर आपने इनकम प्लस लमसम ऑप्शन चूज किया हुआ है तो जब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जब तक आपका चल रहा है, जब तक आप प्रीमियम्स दे रहे हैं तब तक आपका जो सरेंडर वैल्यू बन रहा है तब उसका 80% जो है वो लोन ले सकते हैं। और अगर आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो के आपका आगे पॉलिसी टर्म जो है वो एक्सीड कर गया है, प्रीमियम पेइंग टर्म से एक्सीड कर गया है, तब आपका जो सरेंडर वैल्यू बन रहा है उसका आप 60% लोन ले सकते हैं। और अगर आपने नहीं अब दे पाए हैं, लोन में डिफॉल्ट हो गया है आपका, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं दे पाए हैं, तो जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स होते हैं आपके वो लोन को रीपे करने के बाद आपको बाकी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये था आपका लोन का। फिर माइनर, अगर आपने ये पॉलिसी माइनर के लिए ले रखी है, आप माइनर का क्या मतलब है, जो भी पर्सन 18 इयर्स
जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसको हम माइनर कहते हैं। और माइनर के लिए अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो जो लाइफ कवर का रिस्क होता है वो उसके लिए जब आपने पॉलिसी इशू कराई है यानी स्टार्ट हुई है जब ली है उसके एक साल बाद से उसकी लाइफ के रिस्क को कवर करना वो स्टार्ट पॉलिसी करती है। और उस अगर एक साल के बीच में उस माइनर की डेथ हो जाती है, माइनर लाइफ अश्योर्ड की डेथ हो जाती है, तो जितने कुछ जो फैक्टर्स होते हैं चार्जेस कट के आपको जो प्रीमियम होता है पूरा का पूरा वो वापस हो जाता है। अब जो इसमें टैक्स के बेनिफिट्स होते हैं आपको ATC यानी कि जो डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में 1.5 लाख तक का कि आपने जो भी प्रीमियम पे किया है तो आपको उसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। फिर आपको जो मैच्योरिटी मिल रही है वो 1010D में आपकी एग्जेम्प्ट है यानी कि उस पर आपको जो टैक्स है वो देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये सर्विस है तो जो भी आपके प्रीमियम्स जाएंगे तो जो भी इस समय का प्रिवेलिंग रेट होगा जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें वो GST जो है आपके प्रीमियम में ऐड होकर जो है वो जाती है। और फ्री लुक पीरियड, अब फ्री लुक पीरियड क्या होता है कि जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के पास आपके पास रिसीव होने के बाद 15 दिन का समय होता है रीड करने का, टर्म्स एंड कंडीशन अंडरस्टैंड करने का। तो आप उन 15 डेज के अंदर अपनी पॉलिसी जो है वो कैंसिल भी करा सकते हैं। आई होप अब ये आप जो हमारा प्लान है गोल्डन सेवर प्रीमियर प्लान ये आप समझ चुके हैं और ये आप अपने लिए ले सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच।